कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार में, खास तौर से सोयाबीन के बाजार के बारे में। तो सोयाबीन के दाम में उत्पादक राज्यों में कीमतें बाजारों में सोयाबीन में स्थिर देखी जा रही है। प्लांटों की मांग सामान्य है, साथ ही उत्पादक मंडियों में सोयाबीन की आवक बनी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके दाम में हल्का सुधार तो देखने को मिल सकता है, लेकिन बड़ी तेजी आने का अनुमान नहीं है। शिकागो में भी सोया तेल और सोयाबीन और मील में बाजारों में तेजी के साथ आप कारोबार देखकर चल सकते हैं। यहाँ से अब कीमतों के बारे में अगर बात करी जाए तो महाराष्ट्र में सोयाबीन में लातूर मीडियम प्लांट का रेट 5100 है, ऑक्टागन प्लांट की 5200 है, नाडेड में श्रीनिवास चक्र प्लांट की 5160 है, जिसमें 20 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। कीर्ति में सोलापुर प्लांट का रेट 5260 चल रहा है, जिसमें भी 20 रुपए तक की हल्की सी बढ़त दर्ज करी गई है। धुलिया में डिसान प्लांट का रेट 5100 रुपया बाजार में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगर मध्य प्रदेश के बारे में, तो प्रकाश प्लांट का रेट 5070 है, प्रेस्टीज प्लांट की 5060 चल रही है, डार्सी प्लांट का रेट 5100 है, रुचि प्लांट की 5000 रुपए बाजारों में देखकर चल सकते हैं। मलेशिया में पाम तेल में सितंबर महीने में वायदा अनुबंध में 54 रिंगिट तक की तेजी आकर 3809 रिंगिट प्रति टन का दाम देखा जा रहा है। सरसों और सोया तेल में काफी दाम इसके नरम है, जबकि रिफाइंड में 5 रुपए तेज तक खुले हैं। इसीलिए घरेलू मार्केट में इसमें हल्का सुधार आपको और भी देखने को मिल सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आप सभी खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।